हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 10 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को कल एक सवाल दिया था मैंने, उस सवाल का सही आंसर क्या होगा कि 1943 में आजाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, तो इस सवाल का सही आंसर था हबीब उर रहमान। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक था। आजाद हिंद फौज के ऑफिसर और ट्रेनर के लिए हबीब उर रहमान द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जबकि स्वयं सेवक जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में से आते हैं उनके लिए आजाद स्कूल खोला गया। और इसी के दौरान एशिया में पहली बार एक महिलाओं की रेजिमेंट, झांसी की जो रानी रेजिमेंट है ना, उसको बनाया गया था। और ये रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंतर्गत जो है ना बनाई गई थी। आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर है कि हरियाणा में एमबीबीएस सीटों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा में एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी लगभग दुगनी के आसपास कर दी गई है। 1035 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये सीटें साल 2014 तक 700 थी, 2022 में ये सीटें 1735 हो चुकी है। याद रखिएगा, तकरीबन 1035 सीटें जो है ना हरियाणा में बढ़ चुकी है। ये तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निरंतर काम कर रही है हरियाणा सरकार, और सीटों में दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर चुकी है हरियाणा गवर्नमेंट। एक सिंपल सा वन लाइनर जो आपको याद रखना है। हरियाणा में डाक विभाग किस टेक्निक से डाक की निगरानी करने की घोषणा की है। आप लोगों को याद होगा तो आज तो 10 अक्टूबर है, लेकिन कल ही के दिन जो है ना वो डाक दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में एक ये घोषणा, एक न्यूज़ आई है आगे कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी जो है ना उसके ऊपर काम करेगा हरियाणा का डाक या पोस्टल डिपार्टमेंट। RFID क्या होता है सर? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे आपको इससे शायद हो सकता है सामना या वास्ता तो पड़ता ही रहा होगा, अगर आप ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो, कभी न कभी ट्रैवल तो करते हैं, तो आपको आपकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग दिखाई देता है। ठीक है ना, और ये फास्टैग जो है ना टोल प्लाजा से जब आपकी गाड़ी गुजरती है तो इस RFID टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है। याद रखना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। तो डाक विभाग उपभोक्ताओं के लिए स्टार्ट करने वाला है एक नई सुविधा, RFID टेक्निक होगी, और इसी के तहत जो है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आधारित पहचान करने का काम करेगी। ये वाली टेक्निक याद रखिएगा आप लोग। और डाक विभाग रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक के जरिए डाक और पार्सल की निगरानी भी करेगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल का एक मेन उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं को थोड़ा सा राहत देना, उस टेक्निक से ये सुनिश्चित करना कि डाक या पार्सल उपभोक्ताओं को सही टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना इस टेक्निक से बेसिकली क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट है वो उससे यूँ भी पता लग जाएगा कि ये पर्सन जिस पर्सन का मतलब अथेंटिक पर्सन है कि नहीं है। ट्रैकिंग ट्रेसिंग जो है ना उसको आसान थोड़ा किया जा सकता है इस वाली टेक्निक से, जल्दी पहुँचाया जा सकता है, ट्रैकिंग ईजिली हो जाएगी, अथेंटिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा आप लोग। तो इंटरनेशनल डाक डे के ऊपर और राष्ट्रीय डाक जो आपका पोस्टल वीक है ना वो मनाया जा रहा है। हरियाणा परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर का नाम है जनरल मीरा शेरिंग, ये भी याद रखना आप लोगों को। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करूं तो ये RFID टेक्निक तो खैर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो एक तरीके से लाइक इसमें एंटीना होता है और कैसे आपके ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लेती है। जैसे कि ये रीडर के थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है और ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो उसको स्कैन कर लेता है। इंडियन पोस्ट की बात करता हूँ तो 1 अक्टूबर 1854 को जो है ना इसके भारत में स्थापना कर दी गई थी और ये एग्जीक्यूट हो गया था। और इसके बाद की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है ना इसको सेटअप किया है न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और हर साल जो है ना 9 अक्टूबर से ये एग्जीक्यूट अपना काम करना स्टार्ट किया था। तो 9 अक्टूबर 2022 से ही आप लोग वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया करते हैं। याद रखना, भारत में 1 अक्टूबर से आया था ये। और इसका मिनिस्ट्री कौन सी है? श्री अश्विनी वैष्णव जो है ना इसको संभालते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में श्री जो है ना देवशिंस चौहान जो है ना वो इसको संभालते हैं। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा ने योगासन में पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर। गुरुग्राम के राहुल और ऋषभ ने अपनी प्रतिभा का जो है ना दिखाया और ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके अलावा योगा में जो आर्टिस्ट के जो आपके सिंगल इवेंट में
हरियाणा के प्रवीण पाठक ने कांस्य पदक जीता है योगासन के अंदर ही जो है ना आपका। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो तीरंदाजी और नेटबॉल में भी हरियाणा चैंपियन बन चुका है। अब तक हरियाणा के पास में 31 गोल्ड के समेत टोटल 94 पदक आ चुके हैं ओवरऑल, ठीक है ना। सो ये तो खैर 7 अक्टूबर तक का डेटा है था पुराने, लेकिन ओवरऑल में जो है ना हरियाणा सेकंड पे है और फर्स्ट के पर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। चलो मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। थोड़े दिन पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्रा में आए थे वो और नेचुरल फार्मिंग के चलते हुए, ठीक है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है, वो भी हरियाणा के अंदर आए थे। एक्चुअली वो तो हरियाणा से ही हैं, संबंधित है, पानीपत से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत की है। हरियाणा के किस शहर में इस सुविधा को दिया जाएगा या इन 13 शहरों में से हरियाणा का कौन सा शहर है, तो हरियाणा का गुरुग्राम शहर है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे यूथ के लिए, तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इस न्यूज़ का या यूँ कहिएगा इस सर्विस का तो इंतज़ार कर ही रहा था। न्यूज़ का तो इतने दिन था, अब तो फिलहाल सर्विस का इंतज़ार है। 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड इनिशियली 1 GB या 1 GB पर सेकेंड जो है ना 1 GBPS तक की स्पीड मिलने की संभावना है। गीगा बाइट तो ज़्यादा हो जाएगा, गीगा बिट पर सेकेंड तक स्पीड मिलने की पॉसिबिलिटी है। एयरटेल है, जियो है, इन्होंने इसके लॉन्चिंग कर ही दी है, आपको शायद पता होगा। 1 से 4 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस हुई थी 2022 का 6ठा संस्करण था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर, और इसी में जो है ना आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और इसके अलावा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्हीं के थ्रू न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहाँ पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। और के साथ साथ वहाँ पे लगभग 362 वक्ता थे, 80 सेशंस हुए, 13,500 के आसपास पार्टिसिपेंट थे और लगभग 150 के आसपास PSU कंपनी थी, 7,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी थे, 10,000 से ज़्यादा मंत्री केंद्रीय मंत्री थे, 17 राज्य मंत्री, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पे थे। इनके चलते हुए बहुत सारे मंत्रियों या और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी, जैसे एग्जांपल से आप लोग एक जो सुनील भारती मित्तल CEO है एयरटेल के, ठीक है ना, भारतीय इंटरप्राइजेस के कहिएगा, आदित्य बिड़ला समूह के अक्षय कुमार मंगलम बिड़ला थे, ठीक है ना, जियो से भी थे। तो ये सारे जो कंपनी के अध्यक्ष सारे इनके साथ में इस 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। सही है, 13 शहर कौन से हैं, तो एक तो दिल्ली है, एक गुरुग्राम हरियाणा का, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, लखनऊ UP, बेंगलुरु कर्नाटक, चंडीगढ़ हो गया, अहमदाबाद गुजरात का, गांधीनगर गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, जामनगर गुजरात के 13 भारतीय शहरों में 5G सेवाओं की चरण अभी शुरुआत कर चुके हैं। और 8 अक्टूबर 2022 से इसकी 5G सेवाएं दिल्ली, वाराणसी जो यूपी के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के 8 शहरों में जो है ना वो मिल भी चुकी है, मतलब स्टार्ट भी हो गया ये। और पूरे भारत में पैन इंडिया में मार्च 2024 तक ये पहुंच जाएगा, बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या स्टेट टू स्टेट। अलग अलग कंपनियों ने इसके बैंड खरीदे हैं, शायद आपको याद होगा, जैसे एक मैं बात करता हूँ ओवरऑल इनको चलो मिला दीजिएगा आप लोग, जैसे जियो की बात करते हैं आप लोग, तो जियो ने जो है ना लगभग 24.7 GHz के आसपास इसका बैंड खरीदा है। दूसरी आपकी कंपनी है एयरटेल है, उनके पास नियर अबाउट 19.8 GHz का एक बैंड है, ठीक है ना। तीसरी एक कंपनी है VI है, ठीक है ना, VI ने लगभग इसका खरीदा है 6.2 GHz का। एक अडानी नाम की कंपनी भी है, उसने 400 MHz का जो है ना बैंड खरीदा 212 करोड़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 5G दुनिया का सबसे बेस्ट टाइप का नेटवर्क है। सबसे पहले 5G नेट आया था साउथ कोरिया के अंदर और उसकी टेस्टिंग की गई थी चाइना के बीजिंग के अंदर। तो 5G आपको सबको पता है कि ये 4G के बाद में आने वाला है। साउथ कोरिया के अंदर सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, पूरे ओवरऑल साल 2019 के अंदर इसको ऑफिशियली वो अपना चुके थे, ठीक है। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर एसोसिएशन ने दुनिया भर में 5G डिवाइस लॉन्च करने के लिए एक पहला डेटाबेस ट्रैकिंग भी जारी की गई थी और 6 मार्च 2020 को अब तक का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 था, याद रखा, ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन था। आजकल तो खैर दुनिया भर के स्मार्टफोन आ ही गए हैं। मैं बात करता हूँ तो 1G टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये आई थी 1979 के अंदर, आई थी एक कंपनी है जिसका नाम है निप्पन, ठीक है ना, निप्पन टेलीग्राम
टेलीग्राफ, निपन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी है जिसको NTT के बारे में जानते हो, ये जापान की कंपनी है। इसने 1979 या 1980 का दशक कहिएगा एनालॉग आवाज़ दी थी, मतलब केवल इसमें वॉइस था। सेकंड जनरेशन 1990 के दशक की शुरुआत हुई थी, 2G में थोड़ा डिजिटल था, मतलब CDMA में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की शुरुआत हो गई थी। 3G आई थी 2000 के दशक में आई थी शुरुआती में, और 3G मोबाइल डेटा जैसे CDMA में 2000 आ गए थे। 4G LTE आ गया साल 2010 के अंदर इस, और मोबाइल ब्रॉडबैंड युग की शुरुआत होगी समझ लीजिएगा इसमें। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो हरियाणा का जो जिला है गुरुग्राम, वहां पे कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, कपिल देव के साथ गोल्फ का आनंद देते दिखे थे, इसमें MS धोनी साहब भी दिखे थे। अब ये गोल्फ बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, वैसे तो आप लोगों को खैर पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी ने वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास तो ले लिया लेकिन खेलों के लिए अभी भी बड़े ही ये एक्टिव हैं। और गुरुग्राम में जो कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इवेंट जो चल रहा था 2022 का गोल्फ टूर्नामेंट था, उसके अंदर ये साथ में आए भी थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन, जरूर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और धोनी एकमात्र इतिहास के ऐसे कप्तान भी है जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीत चुके हैं ये। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को गुरुग्राम के कुछ करंट अफेयर बताता हूं। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अगर पूछा जाए कि किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की, तो आंसर गुरुग्राम है। हरियाणा का दूसरा IIM जो है ना वो गुरुग्राम में बन रहा है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी जो है ना उनका नाम कला रामचंद्रन है। और भारत की पहली OECM साइट अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट जिसको अरावली जैव विविधता पार्क के अंदर बनी है, अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जंगल कहलाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह में बनेगा, 6000 एकड़ गुरुग्राम का और 4000 एकड़ आपको पता ही है नूह का होगा। सरस मेला है 7 तारीख से 23 तारीख के बीच में, भारत का पहला सरस मेला यहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे, गुरुग्राम में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बताइए कि वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन आर बॉडी, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर एंड लंग्स, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।